हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर नंबर 6 हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इस चैप्टर की 3 वीडियोस हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, यानी कि 3 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आपने कोई भी पार्ट मिस कर दिया, कोई भी पार्ट अगर आपने नहीं देखा, तो पहले आप उसको जाके देखें, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें, आपको और ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं और क्या हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि थोड़े से जो भी डाउट्स आपके दिमाग में है वो दूर हो जाए। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियोस में हमने सबसे पहले बात करी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। एक छोटा सा इंट्रो था कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है। उसके बाद हमने बात करी टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसा कि मैंने आपसे शुरू में ही कह दिया था कि जो ये चैप्टर है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, क्योंकि हम डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो टाइप्स थे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के 4। कौन कौन से? नंबर 1 बॉडी लैंग्वेज, नंबर 2 प्रॉक्सिमिक्स, नंबर 3 पैरा लैंग्वेज और नंबर 4 साइन लैंग्वेज। ठीक है, हमने नंबर 1 इसका टाइप उठाया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, जो कि था हमारा बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का हमने मीनिंग जाना, नेचर जाना, टाइप्स जाने, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फंक्शंस, इफेक्टिव यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज इन इंडिया। ठीक है, तो काफी सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। ये जो मैंने सारे टॉपिक्स आपको बताए, ये इससे पहले वाली जो 3 वीडियोस हैं उसमें हमने कवर किए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं अपना सेकंड टाइप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, जिसका नाम है प्रॉक्सिमिक्स। हम इस वीडियो में जानेंगे प्रॉक्सिमिक्स का मीनिंग क्या होता है, प्रॉक्सिमिक्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रॉक्सिमिक्स होते हैं हमारे 3। कौन कौन? नंबर 1 है स्पेस लैंग्वेज, नंबर 2 टाइम लैंग्वेज और नंबर 3 सराउंडिंग्स। अब जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस चैप्टर में हम टाइप्स के भी टाइप्स जानेंगे, इस तरह से कुछ डीप में है चैप्टर। तो स्पेस लैंग्वेज के 4 टाइप्स हैं, हम वो जानेंगे, और सराउंडिंग्स के 2 एलिमेंट्स हैं, वो भी हम इन टॉपिक्स में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमें इस वीडियो में कवर करने हैं। काफी ज्यादा मजा आपको आने वाला है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि यार ऐसा भी कुछ होता है क्या। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में पक्का आएंगे जब आप इन टॉपिक्स को अच्छे से समझोगे। राइट, तो आगे बढ़ते हैं टॉपिक्स की तरफ और जल्दी से इनको पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा प्रॉक्सिमिक्स। जल्दी से पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ और नोट्स बनाना शुरू कर दो। खुद के नोट्स सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं, राइट। और अगर आपको फिर भी नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। वहां पे आपको सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे, जब हम इस चैप्टर को पूरी तरह से खत्म कर देंगे तब। ठीक है, तो प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है पहले उसके बारे में जानते हैं। प्रॉक्सिमिटी इज पर्सनल स्पेस लैंग्वेज, जस्ट एज काइनेसिक्स इज बॉडी लैंग्वेज। हमने जाना था कि जो बॉडी लैंग्वेज उसको हम बोलते हैं काइनेसिक्स, उसी तरह से जो हमारी पर्सनल स्पेस लैंग्वेज होती है उसको प्रॉक्सिमिटी बोला जाता है। अभी पर्सनल स्पेस क्या होता है? जब एक सेंडर और एक रिसीवर आमने सामने खड़े होकर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, तो जितने एरिया में, जितने स्पेस में वो खड़े हैं या फिर बैठे हैं, वो उनका पर्सनल स्पेस कहलाता है। अब जितनी भी चीजें उनके आसपास हैं, अब जब भी हम कहीं बैठे हैं या फिर खड़े हैं, किसी से हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, तो हमारे आसपास कुछ ना कुछ चीजें जरूर होंगी। ठीक है, कुछ ना कुछ अवेलेबल होगा हमारे आसपास। ठीक है, कुछ भी चीज हो सकती है। तो वो सेंडर और रिसीवर उस पर्सनल स्पेस के साथ साथ उन सब चीजों को जो भी उनके आसपास है उनको कैसे अरेंज करेंगे और वो अपना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी करेंगे, वो हम प्रॉक्सिमिटी में पढ़ते हैं। वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अंडर प्रॉक्सिमिटी वी स्टडी हाउ वी परफॉर्म द कम्युनिकेशन प्रोसेस विद इन द स्पेस अराउंड अस एंड हाउ वी अरेंज थिंग्स अराउंड अस। हमें कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे कंटिन्यू रखना है, कैसे उसका फ्लो बनाए रखना है, जो भी स्पेस हमारे पास अवेलेबल है उसमें, और कैसे हम अपने आसपास की चीजों को अरेंज करेंगे, ये हम प्रॉक्सिमिटी में पढ़ते हैं। द स्पेस अराउंड अस, द वेरियस थिंग्स अराउंड अस, जो भी स्पेस हमारे आसपास है, जो भी एरिया हमारे आसपास है, जितनी भी चीजें हमारे पास आसपास है, ठीक है, हम उनको कैसे अरेंज करते हैं, और एक हर एक चीज का अलग मीनिंग होता है। ठीक है, जो भी हमारे पास स्पेस है, जितनी भी जगह में हम खड़े हैं, बैठे हैं, जो भी हमारे पास चीजें हैं, जिस तरह से बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं उस स्पेस के अंदर, तो हर एक चीज का मीनिंग जो है अलग होता है। हर एक चीज अलग तरह से कम्युनिकेट करती है, ठीक, अपने आप में वो कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करती है, राइट। कुछ भी सिचुएशन हो गई, हमारी बॉडी मूवमेंट हो गई, जैसा कि हमने पढ़ा है कि बॉडी लैंग्वेज में हर छोटी छोटी चीज कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करती है। हम कुछ नहीं बोलते तब भी उसका कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर निकल के आता है। तो ये हमारा पर्सनल स्पेस लैंग्वेज होती है, जो हमारा स्पेस है, जो हमारा पर्सनल स्पेस है, जो हमारे आसपास की चीजें हैं, उन सब चीजों को देखते हुए, अरेंज करते हुए हमें अपना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो भी चलाए रखना है। ठीक है, तो सारा जो स्पेस से रिलेटेड चीजें हैं, हमारे एरिया से रिलेटेड चीजें हैं, जितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, वो प्रॉक्सिमिक्स कहलाता है। देयर आर 3 फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अब 3 तरह की प्रॉक्सिमिटी के टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? स्पेस लैंग्वेज, नंबर 1 हमारा स्पेस लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, जो भी लोग हैं, सेंडर और रिसीवर, उनके बीच में कितना स्पेस है, किस स्पेस में वो अपना कम्युनिकेशन प्रोसेस अपना चला रहे हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें बोलचाल उनकी बिल्कुल नहीं होगी, सब कुछ नॉन वर्बल ही होगा। स्पेस लैंग्वेज में हम सारा जानेंगे कि उनके बीच में कितना स्पेस है सेंडर और रिसीवर में, और वो स्पेस क्या चीज कम्युनिकेट कर रहा है। ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर कोई इंसान हमसे थोड़ी सी दूरी पर है तो उसका कुछ और मीनिंग होगा, थोड़ी और दूरी पर है तो कुछ और मीनिंग होगा, ज्यादा दूरी पर है तो उसका कुछ और मीनिंग होगा। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, हम आगे जानेंगे।
नंबर टू है टाइम लैंग्वेज और नंबर थ्री है सराउंडिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो ये प्रॉक्सिमिक्स हमारा एक थोड़ा सा इंट्रो था प्रॉक्सिमिक्स का। ठीक है, और उसके तीन टाइप है हमारे जो मेन है सबसे ज्यादा, स्पेस लैंग्वेज, टाइम लैंग्वेज और सराउंडिंग लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं हम सबसे पहले स्पेस लैंग्वेज की तरफ। अ पर्सन्स डिस्टेंस फ्रॉम द अदर पर्सन रिवील्स देयर इंटर रिलेशनशिप एंड द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन देम। अब जो सेंडर और रिसीवर है उनके बीच में कितना डिस्टेंस है उससे हमें पता चलेगा कि उनका इंटर रिलेशनशिप और उनके कम्युनिकेशन का नेचर कैसा है। राइट, आपका कोई दोस्त है वो आपसे कितना क्लोजली वो आपसे खड़ा है, आपके कितना पास वो बैठा है, इससे आपके और उस दोस्त के रिलेशनशिप का हमें पता चलता है। ठीक है, उस स्पेस से आपके बीच में कितनी दूरी है दोनों के बीच। ठीक है, एडवर्ड टी हॉल हैज डन फैसिनेटिंग एंड वैल्यूएबल वर्क इन दिस फील्ड। अब एक रिसर्चर थे एडवर्ड टी हॉल, इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम करा, इन्होंने एक बहुत फैसिनेटिंग और एक वैल्यूएबल वर्क किया इस फील्ड में। ठीक है, इन्होंने बहुत ज्यादा डीपली रिसर्च करी इस स्पेस को लेकर कि एक पर्सन के बीच में, दो पर्सन के बीच में अगर इतना स्पेस है तो उनका जो रिलेशनशिप है वो ऐसा होगा और इनके जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होगा वो कुछ इस तरह से होगा, अगर स्पेस थोड़ा ज्यादा है तो ऐसी सब चीजें होंगी। ठीक है, तो सब चीजें उन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब करी है। अब यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, ठीक है, तो ये जो हमारे एडवर्ड टी हॉल रिसर्चर थे इन्होंने यही स्टडी करी कि जब एक पर्सन से 18 इंचेस की दूरी पर कोई पर्सन खड़ा है ए, तो उनमें इंटीमेट स्पेस होगा, मतलब कि बहुत ज्यादा क्लोज वो होगा। फिर कोई पर्सन है जो इनसे 18 इंचेस से 4 फीट की दूरी पर खड़ा है, यानी कि ये जो बी हमारा पर्सन है ये हमारा पर्सनल स्पेस लैंग्वेज हो गया। फिर नंबर सी 4 फीट से 12 फीट तक अगर दूरी पर कोई है तो वो हमारा सोशल स्पेस हो गया। उसके बाद हमारी बात आती है नंबर 4 पे, डी जो हमारा ये पर्सन है, ठीक है, अगर ये 12 फीट से भी और ज्यादा दूरी पर खड़ा है तो वो हमारा पब्लिक स्पेस लैंग्वेज हो जाता है। ठीक है, तो स्पेस लैंग्वेज आप समझ गए कि जो सेंडर और रिसीवर है उनके बीच में जो भी स्पेस होता है वो स्पेस लैंग्वेज कहलाती है। उस लैंग्वेज से भी हम काफी सारी चीजें समझ जाते हैं कि इन दोनों का रिलेशनशिप ऐसा है और इनका जो कम्युनिकेशन का नेचर है वो कुछ ऐसा होने वाला है। अब ही फाइंड्स हिमसेल्फ सराउंडेड बाय 4 टाइप्स ऑफ स्पेस लैंग्वेजेस लाइक। अब जब एडवर्ड टी हॉल खड़े हुए, इन्होंने देखा कि इतनी इतनी दूरियां हैं, ठीक है, अगर हम रिसीवर्स को इतनी इतनी दूरी पर खड़ा करते हैं तो ये लैंग्वेजेस निकल के आती है। कौन कौन सी? नंबर 1 इंटीमेट स्पेस लैंग्वेज, जो कि बहुत ज्यादा क्लोजनेस पे हम कह सकते हैं, जब सेंडर और रिसीवर एक दूसरे के काफी करीब है तो इंटीमेट स्पेस लैंग्वेज निकल कर आएगी। नंबर 2 है हमारा पर्सनल स्पेस लैंग्वेज, जब वो रिसीवर जो है 18 इंचेस से 4 फीट की दूरी पर होगा, मतलब कि हमारे से 4 फीट की दूरी पर जब वो होगा तो वो पर्सनल स्पेस लैंग्वेज कहलाएगी। नंबर 3 हमारा सोशल स्पेस लैंग्वेज, अब सोशल स्पेस लैंग्वेज में 4 फीट से 12 फीट की दूरी होनी चाहिए तो वो सोशल स्पेस लैंग्वेज कहलाएगी। नंबर 4 है पब्लिक स्पेस लैंग्वेज, अब जब भी आपने देखा होगा कोई भी ऐसी होती है कि पब्लिक स्पीकिंग कोई करता है तो जो सेंडर होता है वो स्टेज पर खड़ा है और जो रिसीवर है, जो पब्लिक है, वो काफी ज्यादा दूरी पर खड़ी होती है। ठीक है, 12 फीट से कितनी भी वो फीट दूरी हो सकती है तो वो पब्लिक स्पेस लैंग्वेज होती है, उसमें हम बेसिकली जो पब्लिक, जो हमारी ऑडियंस है उससे बात कर रहे होते हैं इतनी दूरी पर। ठीक है, तो आगे अब पढ़ते हैं इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में। ये हमारी स्पेस लैंग्वेज थी कि दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है उससे ये चीज पता चलती है कि उनका रिलेशन कैसा है और उनका कम्युनिकेशन का जो भी नेचर है वो कैसा है। ठीक, बात करते हैं स्पेस लैंग्वेज के कुछ टाइप्स। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि स्पेस लैंग्वेज के टाइप्स होते हैं 4 टाइप्स, कौन कौन से? इंटीमेट स्पेस, पर्सनल स्पेस, सोशल स्पेस लैंग्वेज और पब्लिक स्पेस लैंग्वेज। वही चीज यहाँ पर लिखी है जो भी हमने जानी। इंटीमेट स्पेस लैंग्वेज की अगर हम बात करें, हेयर ऑल द फिजिकल एक्टिविटीज ऑफ द कम्युनिकेटर विल बी परफॉर्म्ड विद इन द स्पेस ऑफ 18 इंचेस। अब ये जो इंटीमेट स्पेस लैंग्वेज है इसमें सेंडर और रिसीवर जो भी है इनकी जो भी फिजिकल एक्टिविटीज होनी है वो किस में होंगी? 18 इंचेस की दूरी में ही होनी है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो सेंडर है उससे 18 इंचेस की दूरी पर रिसीवर होगा, यानी कि इंटीमेट स्पेस हो गया, बहुत ज्यादा वो क्लोज है, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के पास में ही है। ठीक है, इट एक्सप्रेसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट, तो ये जो 18 इंचेस का गैप है उनके बीच में इससे एक पॉसिबिलिटी निकल के आती है कि उनके बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट हो सकता है, वो हैंडशेक कर सकते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे की पीठ पे, जैसे कहते नहीं थपथपा पाते हैं पीठ, थपथपा शाबाशी देते हैं, तो वो चीज वो कर सकते हैं उस 18 इंचेस के स्पेस में। दिस सर्कल जनरली इंक्लूड्स फैमिली मेंबर्स, अब इस सर्कल में जनरली कौन लोग आते हैं? हमारे फैमिली मेंबर्स हो गए। ठीक है, जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं हम उनके पास में बिल्कुल बैठते हैं, जब हम छोटे थे उनकी गोदी में हम बैठते थे। ठीक है, उनको हग कर रहे हैं हम। ठीक है, तो प्यार से ये सब चीजें होती हैं, तो हम अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ इतना क्लोज हो सकते हैं कि 18 इंचेस की हमारे बीच में दूरी है और कोई भी फिजिकल कॉन्टेक्ट हो सकता है। नंबर 2 जो हमारे आते हैं वो है क्लोज फ्रेंड्स, अब हमारे बहुत नजदीकी दोस्त हो सकते हैं। ठीक है, जिससे हम हैंडशेक कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो वो हमारे 18 इंचेस के बीच में ही आ गए। स्पेसिफिक पर्सन कोई और भी ऐसा हो सकता है जिसमें हम हैंडशेक कर रहे हैं एंड पैट ऑन द बैक आर परफॉर्म्ड इन दिस स्पेस सर्कल। जैसा कि मैंने आपको बताया, हैंडशेक होगा इतने, अगर फिजिकल कॉन्टेक्ट की बात करें इतनी दूरी में, और क्या होगा?
हम किसी की पीठ थपथपा सकते हैं शाबाशी देते हुए, ठीक है। तो ये हमारा इंटीमेट स्पेस लैंग्वेज होता है। फिर से मैं कहूंगा किस चीज का इसमें हमें पता चलता है, एक तो उनका रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है, जो सेंडर और रिसीवर है उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है, और उनका जो कम्युनिकेशन का नेचर होने वाला है वो हमें पता चलता है इंटीमेट स्पेस लैंग्वेज में। इसकी दूरी कितनी होती है, सेंडर से 18 इंचेस की दूरी, ठीक है, मतलब 18 इंचेस रहता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। नंबर टू है हमारा पर्सनल स्पेस लैंग्वेज। अब ये क्या होता है, इन दिस द डिस्टेंस बिटवीन द कम्युनिकेटर एंड रिसीवर इज फ्रॉम 18 इंचेस टू 4 फीट। अब 18 इंच से 4 फीट तक दूरी होती है कम्युनिकेटर की और रिसीवर की, मतलब जो कम्युनिकेटर है यानी कि जो सेंडर है और जो रिसीवर है उन दोनों के बीच में 4 फीट तक की दूरी हो सकती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन लाइक फ्रेंडली कन्वर्सेशन, हम किसी ऐसे जो हमारे सिर्फ दोस्त है क्लासमेट है उससे हम कर सकते हैं ऐसा कोई फ्रेंडली कन्वर्सेशन, तो वो 4 फीट की हमसे दूरी पर होगा, हम उससे इजीली जो भी है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नेचुरल एंड सेल्फ इनिशिएटेड कम्युनिकेशन बिटवीन कलीग्स अकर्स इन दिस स्पेस लैंग्वेज। हमारे कलीग्स होते हैं, अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं किसी बिजनेस में हमें, तो जो हमारे कलीग्स होंगे जो हमारे पार्टनर्स होंगे वहां पर उनके साथ हम ऐसी बात कर सकते हैं, तो ये थोड़ा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, बात इन द सेंस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, ठीक है, दूर खड़े होकर हम अपनी बॉडी लैंग्वेज बॉडी मूवमेंट के थ्रू उससे कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो हमारा पर्सनल स्पेस लैंग्वेज हो गया। और वो जो रिसीवर है वो हमसे कितनी दूर खड़ा है, कम से कम 4 फीट की दूरी पर, तो वो हमारा पर्सनल स्पेस लैंग्वेज होता है। नंबर 3 हमारा सोशल स्पेस लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, इन दिस द डिस्टेंस बिटवीन द कम्युनिकेशन सॉरी कम्युनिकेटर एंड रिसीवर इज बिटवीन 4 फीट टू 12 फीट। अब इसमें जो दूरी होगी वो 4 से 12 फीट होगी सेंडर और रिसीवर के बीच में, मतलब कि जो रिसीवर होगा वो सेंडर से कम 12 फीट की दूरी पर खड़ा है, तो इससे हमें पता चलेगा कि उनके बीच में जो लैंग्वेज है वो कौन सी सोशल स्पेस लैंग्वेज है। दिस स्पेस लैंग्वेज इज जनरली यूज्ड फॉर फॉर्मल और ऑफिशियल पर्पस। अब ये जो स्पेस लैंग्वेज है ये कब यूज होती है, जनरली या तो कोई फॉर्मल या फिर कोई ऑफिशियल पर्पस के लिए। मोस्ट ऑफ द बिजनेस इज डन इन दिस लैंग्वेज विद लेस इमोशन एंड मोर प्लानिंग। अब बहुत सारे बिजनेस इसी लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए होते हैं जिसमें कम से कम इमोशंस होते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्लानिंग होती है, ठीक है। अब एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं तो उनके बीच में दूरियां काफी होती हैं, एक दूसरे से दूर वो बैठे हुए हैं, एक दूसरे से दूर वो खड़े हुए हैं, तो अपनी बॉडी मूवमेंट के थ्रू जो भी वो बात करते हैं, बिजनेस में ऐसा काफी ज्यादा होता है, तो 12 फीट की दूरी पर भी अगर कोई पर्सन खड़ा है तो वो अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, और उसको हम रिलेशनशिप को क्या कह सकते हैं कि इनके बीच में सोशल स्पेस लैंग्वेज है। और बहुत ज्यादा कहे तो क्लोज वो नहीं है, क्लोज फ्रेंड्स वो नहीं है, फ्रेंड्स भी वो नहीं है, बस वो कलीग्स हैं, ठीक है, जो पार्टनर्स हैं उनके साथ में वहां पे काम करने वाले कॉमन पर्पस की तरफ वो काम कर रहे हैं, तो वहां पे हमें उनका रिलेशनशिप पता चलता है इस चीज से कि वो 12 फीट की दूरी पर रहकर भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पब्लिक स्पेस लैंग्वेज। पब्लिक स्पेस लैंग्वेज सिंपल सा, बिल्कुल पब्लिक स्पीकिंग जब हम करते हैं तो पब्लिक बिल्कुल हमारे ठीक सामने नहीं होती, ठीक है, बहुत क्लोज वो हमसे नहीं होती, 4 फीट की दूरी पर नहीं होती, 18 इंचेस की दूरी पर नहीं होती, 12 फीट की दूरी पर नहीं होती, काफी ज्यादा दूर वो पूरी पब्लिक होती है, जो ऑडियंस भी है वो काफी दूर होती है हमसे। इट रेंजेस फ्रॉम 12 फीट टू द डिस्टेंस अप टू विच द रिसीवर कैन सी एंड हियर द कम्युनिकेटर। इसमें क्या होता है, वो 12 फीट से ज्यादा कितना भी हो सकता है कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है वहां पे जो ऑडियंस है वो सेंडर को देख सके, कितनी भी दूरी वो हो सकती है, बस जो सेंडर है जो स्टेज पे इंसान खड़ा है वो ऑडियंस को दिख जाए, राइट। दिस लैंग्वेज इज मोर फॉर्मल एंड रिप्रेजेंट्स अ रिमोट स्पेस। ये वाली जो लैंग्वेज होती है काफी ज्यादा फॉर्मल होती है और एक रिमोट स्पेस ही रिप्रेजेंट करती है, मतलब कि काफी ज्यादा स्पेस उनके बीच में है। अभी बहुत सारे कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं जिसमें बहुत से सिंगर्स आते हैं परफॉर्म करते हैं वो स्टेज पर, तो उनसे जो ऑडियंस होती है वो काफी ज्यादा दूरी पर होती है, आपने देखा होगा जो पीछे लोग खड़े हैं वो बहुत ज्यादा दूरी पर होते हैं, बस इतनी दूरी उनकी होती है कि जो पूरी ऑडियंस है वो उस सेंडर को देख पाए, ठीक, इतनी दूरी चलती है पब्लिक स्पेस लैंग्वेज में। तो ये हमारे जो थे टाइप्स थे किसके, स्पेस लैंग्वेज के। स्पेस लैंग्वेज के टाइप से हमें पता चलता है कि उनके रिलेशन कितना है, कैसा है, ठीक है, नेचर कैसा है कम्युनिकेशन का। इंटीमेट स्पेस लैंग्वेज अगर वहां पे हो रही है तो हम समझ जाएंगे कि 18 इंच की दूरी पर वो रिसीवर खड़ा है और उनके बीच में इंटीमेट स्पेस लैंग्वेज है, ठीक है। 4 फीट तक अगर कोई इंसान खड़ा होकर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करता है तो हम समझ जाएंगे कि पर्सनल स्पेस लैंग्वेज है, और जो उनका नेचर है वो कैसा होगा, काफी ज्यादा फ्रेंडली कन्वर्सेशन उनके बीच में हो रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल स्पेस लैंग्वेज। अगर कोई इंसान दो लोग हैं, दो से ज्यादा लोग हैं, 4 फीट से 12 फीट की दूरी पर अगर वो खड़े होकर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो सोशल स्पेस लैंग्वेज हम कहेंगे, ठीक है। और अगर काफी ज्यादा दूरी पर है कि सेंडर और रिसीवर एक दूसरे को देख पा रहे हैं तो वो हमारा पब्लिक स्पेस लैंग्वेज कहलाता है, ठीक। तो ये था हमारा स्पेस लैंग्वेज एक टाइप, और स्पेस लैंग्वेज की 4 टाइप भी यहाँ पर कवर हो गए, ठीक है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे जाना कि प्रॉक्सिमिटी के 3 टाइप होते हैं जिसमें हमने स्पेस लैंग्वेज पढ़ा, स्पेस लैंग्वेज के 4 टाइप होते हैं वो भी हमने पढ़े। बात करते हैं हम टाइम लैंग्वेज के बारे में, ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ते हैं और इसको फिर समझते हैं। दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ये जो हमारी टाइम लैंग्वेज है ये प्रॉक्सिमिटी की सेकंड फॉर्म है। इट इन्वॉल्व्स द मीनिंग विच वी गिव टू टाइम और वी अटैच विद द टाइम।
इसमें ये चीजें इन्वॉल्व होती है कि हम समय को क्या मतलब दे रहे हैं और कितना हम समय के साथ अटैच हैं। आज के समय में आपने देखा होगा कि हम टाइम टू टाइम काम करते हैं। आजकल अगर हम देखें तो जो सारे बिजनेसेस चल रहे हैं, जितने भी आज के समय में लोग जॉब कर रहे हैं, वहां पे उनकी पंचुअलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक, हम अपने स्कूल लाइफ की बात करें, अपने ट्यूशन अगर हम जा रहे हैं, अपने स्कूल हम जा रहे हैं, अपने कॉलेज हम जा रहे हैं, तो सब चीजें वहां पे हम टाइम देखते हुए करते हैं कि इतने टाइम में हमें ये काम करना है। हम मतलब बेसिकली हम टाइम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो वही हमारी टाइम लैंग्वेज है। अगर हमें टीचर ने बुलाया कि तुम्हारा इतने बजे तुम्हें एक लेक्चर अटेंड करना है इतने बजे, तो हमें उस समय जाकर वो लेक्चर अटेंड करना ही है जितना समय हमें टीचर ने दिया है। तो हम बता रहे हैं कि हम समय की कितनी वैल्यू करते हैं, कितना पंचुअल है, वो टाइम लैंग्वेज होती है। नाउ द यूज ऑफ एसेंशियल टाइम मैनेजमेंट हैज बिकम पॉपुलर। आज के समय में ये जो टाइम मैनेजमेंट है ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया है। ठीक है, बिजनेस वर्ल्ड में हम देखें, अपनी डेली लाइफ में हम देखें, अगर हम पंचुअल नहीं है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को करनी पड़ सकती है। ठीक है, हमें पंचुअल होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय, एंड इट इज नाउ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ होल मैनेजमेंट। और बिजनेस के पर्पज से देखें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पूरे मैनेजमेंट का। इन द 21st सेंचुरी टाइम मैनेजमेंट हैज गेन्ड मच मोर इम्पोर्टेंस। 21st सेंचुरी की अगर हम बात करें तो जो टाइम मैनेजमेंट है इसने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर ली है। ठीक है, अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज हो गई है। आपने देखा अगर आप स्कूल लेट पहुंचते थे तो आपको पनिशमेंट मिलता था। ठीक है, आप किसी अपने कॉलेज की क्लास के लिए लेट हो गए तो हो सकता है वो क्लास मिस हो गई, तो आपके कहीं ना कहीं लॉस हो जाएंगे अगर आप पंचुअल नहीं है तो डेली लाइफ में भी आपको पंचुअलिटी लानी है अपने अंदर, टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। ठीक है, कि आपको कौन सा काम किस समय करना है वो सब चीज आपको लिख कर देखनी पड़ेंगी। ठीक है, आपको लिख कर अपने सारे गोल्स सेट करने पड़ेंगे कि इतने समय में मुझे ये सारे काम करने हैं और इतने समय तक सारे काम मेरे पूरे हो भी जाएंगे। तो वो हमारी टाइम लैंग्वेज होती है कि हम समय को कितनी वैल्यू कर रहे हैं। ठीक है, हमने समय समय पर अपना काम किया या फिर नहीं किया, वो टाइम लैंग्वेज कहलाती है। बिजनेस पीपल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। अब जो बिजनेस पीपल होते हैं, जो बिजनेस में काम करने वाले लोग होते हैं, वो इसकी जो समय की वैल्यू होती है, जो टाइम की वैल्यू होती है, वो और ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। उनके पास बहुत सारी डेडलाइंस होती है। जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज से कह देते हैं कि इतने से इतने समय के अंदर ये काम हो जाना चाहिए, वरना कुछ भी प्रॉब्लम उनको पूरे बिजनेस को फेस करनी पड़ सकती है। तो जो बिजनेस वाले लोग होते हैं, जो बिजनेस में काम करते हैं, बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, उनको वैल्यू होती है बहुत ज्यादा समय की। ठीक है, देयर इज अ वेल नोन सेइंग दैट टाइम इज मनी विच शोज हाउ वैल्यूएबल टाइम इज। तो एक बहुत अच्छी सी ये बात भी किसी ने कही है कि जो समय है वो पैसा है, टाइम इज मनी। ठीक है, जो कि अपने आप में ये चीज शो करता है कि जो टाइम है उसकी कितनी ज्यादा वैल्यू है। तो टाइम लैंग्वेज बेसिकली हम समय को कितना वैल्यू कर रहे हैं, कितना हम समय के साथ अटैच है, कितना हम पंचुअली अपना वर्क कर रहे हैं, वो हमारी टाइम लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, फिर थर्ड टाइप है हमारा प्रॉक्सिमिटी का सराउंडिंग्स। ठीक है, सराउंडिंग्स क्या होती है, हमारे आसपास जो भी फिजिकल एटमोसफेयर है, हमारे चारों तरफ, हमारे आगे पीछे दाएं बाएं, जो भी हमारा फिजिकल एटमोसफेयर है वो हमारी सराउंडिंग्स कहलाती है। हम किस किस चीज से सराउंडेड है, ठीक है, किस किस चीज से हम घिरे हुए हैं, वो हमारी सराउंडिंग्स कहलाती है। दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ प्रॉक्सिमिटी। हमें बहुत अच्छे से पता है कि प्रॉक्सिमिटी की ये थर्ड फॉर्म है। सराउंडिंग रिफर्स टू द फिजिकल एटमोसफेयर ऑल अराउंड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सराउंडिंग का मतलब है सारा फिजिकल एटमोसफेयर जो भी हमारे चारों तरफ है, इट फॉर्म्स इनटू इट्स लैंग्वेज। अब वो भी एक लैंग्वेज है। ठीक है, उससे भी हमें पता चलता है कि जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, क्या उसके मन में है, क्या वो चाह रहा है, ठीक है, क्या वो करना चाहता है, वो सब चीजें हमें पता चलती है उस सराउंडिंग से भी। ठीक है, उस पर्सन के चारों तरफ क्या है, उस पर्सन ने क्या चीज पहनी है, किस कलर का उसने कोई चीज पहनी है। ठीक है, तो इससे भी हम काफी सारी चीजें पता लगा सकते हैं। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उनका कलर कैसा है, उस कलर से हम काफी सारी चीजें पता लगा सकते हैं। उनका लेआउट, उनकी डिजाइनिंग कैसी है, उससे भी काफी सारी चीजें हमें पता चलती हैं। ठीक है, सराउंडिंग्स हैव मेनी कंपोनेंट्स। सराउंडिंग्स के जो है काफी ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। हियर वी शॉल डिस्कस द टू एलिमेंट्स ऑफ सराउंडिंग्स। लेकिन जो हमारे सिलेबस में, जो बिजनेस कम्युनिकेशन में दिया है चैप्टर में, वो सिर्फ दो एलिमेंट डिस्कस करने के लिए उन्होंने बोला है। कौन कौन से, एक तो कलर। ठीक है, कलर वही रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और भी बहुत सारे कलर्स होते हैं। और लेआउट एंड डिजाइनिंग, यानी कि कोई चीज किस तरह की शेप में है, किस तरह की उसकी डिजाइनिंग हुई है, वो लेआउट और डिजाइनिंग कहलाती है। ठीक है, इसको थोड़ा डीप में हम आगे जानेंगे। तो सराउंडिंग्स बेसिकली क्या होते हैं, हमारा फिजिकल एटमॉस्फेयर, हमारे चारों तरफ क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, कैसा उनका कलर है, कैसे उनके शेप है, कैसा उनका साइज है, वो सब चीजें हमारी सराउंडिंग्स में आ गई। ठीक है, टू एलिमेंट्स है कौन कौन से, कलर और लेआउट एंड डिजाइनिंग। उनके बारे में थोड़ा डीप में यहाँ पर जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, नंबर वन है हमारा कलर। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको पता है कलर्स क्या होते हैं। We know that different colors express different moods and behaviors and also different cultural background. अब ये जो colors होते हैं, ये कई तरह के moods को express करते हैं, बहुत सारे behaviors को ये express करते हैं, different in the cultural background होता है। ठीक है, अगर हम western society की बात करें, black color is associated with grief and sorrow. western society में जो black color होता है उसको grief और sorrow का मतलब grief और sorrow वो represent करता है, थोड़ी sadness, थोड़ा distress वो जो है show करता है। Whereas white color is a symbol of peace that is universally recognized. लेकिन जो ये white color है, ये क्या है? Symbol है किसका? शांति का। Peace मतलब शांति का
ये प्रतीक है। और जो ब्लैक कलर है, अगर आप किसी शुभ अवसर पर ब्लैक कपड़े पहनने हैं तो लोग कहते हैं कि यार ब्लैक यहाँ पर मत पहनो, थोड़ा सा अजीब लगेगा, वहां पर आप अलग ही दिखोगे अगर आप ब्लैक कपड़े पहन के चले गए। वेस्टर्न सोसाइटी में कोई फंक्शन है, कोई बहुत अच्छा खुशी वाला फंक्शन है, वहां पर अगर आप ब्लैक पहनकर जाते हो तो थोड़ा अजीब आपको खुद भी लगेगा, किस तरह से लोग आपको देख रहे होंगे। लेकिन व्हाइट कलर जो है वो सिंबल है पीस का, शांति का, ठीक है। दस कलर इज एन एसेंशियल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड देयरफॉर वी शुड टेक एक्स्ट्रा केयर व्हाइल चूजिंग द कलर फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये जो कलर है ये भी एक एसेंशियल मीडियम है कम्युनिकेशन का। हमने कपड़े पहने हैं, ठीक है, कलर जो भी है वो ब्लैक है, हमने कुछ नहीं बोला, सामने वाले ने किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन देखते ही उनके मन में एक फीलिंग आएगी यार इसने ब्लैक पहना है। तो यहाँ पे नॉन वर्बली जो है कम्युनिकेशन हो रहा है। कौन सी लैंग्वेज हम इसको कहेंगे? स्पेस लैंग्वेज की हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, प्रॉक्सिमिटी के हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, कौन सा है ये हमारा? सराउंडिंग लैंग्वेज, ठीक है। टाइम लैंग्वेज की बात हमने पढ़ा, सराउंडिंग। तो हमारे आसपास की चीजों को देखकर वो कैसी दिख रही है, शेप में, साइज में, कैसा उनका कलर है, उन सब चीजों से भी काफी सारी चीजें हम पता लगा सकते हैं, चाहे वो चीज हमें हमें कुछ बोले या फिर ना बोले, ठीक है। तो जब हम कलर चूज करें किसी भी चीज का, अगर हमें पार्टी में जाना तो हमें अपने कपड़ों का कलर जो है वो बहुत ज्यादा केयर के साथ चूज करना है, हम वहां पर पहने या फिर न पहने, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो इससे जो हमारा कम्युनिकेशन है वो भी पूरी तरह से डिपेंड करता है, राइट, इस चीज पर। नंबर टू है हमारा लेआउट एंड डिजाइनिंग, ठीक है। कोई चीज किस तरह से बनी हुई है, किस तरह से उसकी डिजाइनिंग हुई है, वो सब चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे। इट इज ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। द ऑफिस लोकेशन, जो आपका ऑफिस है, जो जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं, उसकी लोकेशन क्या है। द लेआउट एंड डिजाइनिंग कन्वे द मूड, अब उसका लेआउट कैसा है, उसकी डिजाइनिंग कैसी है, वो जो ऑफिस बना हुआ है उसमें किस किस चीज की डिजाइनिंग हुई है, किस किस तरह से डिजाइनिंग हुई है, कैसा उसका लेआउट है, कैसी उसकी शेप है, उससे अलग अलग तरह के मूड वहां पे वो कन्वे कर सकता है, ठीक है। तो जैसे ही आपका कोई ऑफिस कोई देखेगा तो वो एकदम से आपको जज करना शुरू कर देगा, उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें आने लगेंगी, आप कुछ नहीं बोलोगे, वो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप जहां पर बैठे हैं, ठीक है, आप किस तरह से दिख रहे हैं, ठीक है, आपने किस तरह के कपड़े पहने, वही चीज यहाँ पर आ गई, तो उन सब चीजों को देख कर सामने वाले के मन में बहुत सारी चीजें एकदम से आ जाती है, ठीक है। पर्सनैलिटी को ये डिस्क्राइब करेगा, जो आपका ऑफिस का लेआउट होगा, डिजाइनिंग होगी, वो आपकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करेगी। एक्सटर्नल आर्किटेक्ट कैसा है, स्टेटस कैसा है, पर्सन वो खुद इंसान कैसा है, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन वो पूरा बिजनेस कैसा है, तो इन सब चीजों पर भी ये काफी बड़ा इंपैक्ट डालता है लेआउट और डिजाइनिंग, ठीक है। आपके बिजनेस का लेआउट डिजाइनिंग कैसी है वो बताएगी कि आपके एम्प्लॉयज कैसे हैं, आप खुद कैसे हैं, अंदर आपका जो काम है वो सब कैसा चल रहा है। तो लेआउट और डिजाइनिंग ये सब चीजें डिस्क्राइब करती हैं लोगों को। इन कंक्लूजन, प्लेस, स्पेस, टाइम एंड फिजिकल एनवायरनमेंट आर ऑल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हम सम टोटल करके कह सकते हैं कि जो जगह है जहाँ पे हमारा बिजनेस है, ठीक है, जहाँ हम रह रहे हैं अपनी डेली लाइफ से अगर हम इसको रिलेट करें, तो जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे स्पेस कितना है, कितनी बड़ी जगह में हम रह रहे हैं, कितनी बड़ी जगह में हमारा जो है बिजनेस है, ठीक है, हम टाइम सही से मैनेज कर रहे हैं या फिर नहीं, वही वाला फैक्टर आ गया कि हम समय को कितनी वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। फिजिकल इन्वायरमेंट हमारा कैसा है, हमारा घर बना हुआ तो उसके चारों तरफ गंदगी वगैरह तो नहीं है, लोग बहुत बुरे तो नहीं रह रहे हैं, ठीक है, कुछ खराब चीजें तो नहीं है, या फिर हमारे बिजनेस के चारों तरफ कुछ बेकार सा एनवायरनमेंट तो नहीं है। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, ठीक है। आपका घर कैसा बना हुआ है, आपका जो बिजनेस की जो पूरी बिल्डिंग है, जो आपका ऑफिस है वो कैसा बना हुआ है, उन सब चीजों को देखते ही लोग बहुत बुरी तरह से आपको जज करना शुरू कर देंगे, एकदम से उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अपने आप उनके दिमाग में आंसर आएंगे। तो लेआउट और डिजाइनिंग बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं आपकी खुद की पर्सनैलिटी पर, आपके काम पर, आपकी पूरे नेचर पे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सेकंड टाइप था प्रॉक्सिमिक्स, वो भी हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमने सारे इसमें टॉपिक कवर किए हैं और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी सारे टॉपिक्स थे, ठीक है। एक बार फिर से नजर डालते हैं अपने जो भी हमने चीजें अभी तक करनी है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन और फॉर्म्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, या फिर कहें तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स जो कि हमारे फोर होते हैं, बॉडी लैंग्वेज, प्रॉक्सिमिक्स, पैरा लैंग्वेज और साइन लैंग्वेज, जिसमें से हमने कौन कौन से कर लिए हैं। बॉडी लैंग्वेज हमने बहुत अच्छे से कर लिया, ठीक है, प्रीवियस वीडियोज में हमने सब कुछ किया है, ठीक है। और नंबर टू जो हमारा टाइप है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का प्रॉक्सिमिक्स, वो हमने इस वीडियो में काफी ज्यादा अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया, ठीक है। प्रॉक्सिमिक्स में हमने मीनिंग जाना, टाइप्स कौन कौन से होते हैं प्रॉक्सिमिक्स के, थ्री टाइप्स होते हैं, स्पेस लैंग्वेज हमने बहुत अच्छे से पढ़ा समझा, टाइम लैंग्वेज हमने किया, सराउंडिंग्स हमने की, ठीक है। स्पेस लैंग्वेज के फोर टाइप्स भी हमने इस वीडियो में जान लिए और सराउंडिंग्स के टू एलिमेंट्स भी हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ लिए और समझ लिए, ठीक है। तो हमारे टू टाइप्स जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के होते हैं, बॉडी लैंग्वेज और प्रॉक्सिमिक्स, बहुत अच्छे से कवर हो चुके हैं। क्या क्या बचा है? पैरा लैंग्वेज थर्ड टाइप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, और साइन लैंग्वेज फोर्थ टाइप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। इन दोनों टाइप्स को हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, धीरे धीरे अच्छे से उनको पढ़ेंगे समझेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को देखते देखते खुद के नोट्स बनाए होंगे, और अगर नहीं बनाए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी और मैं कमेंट सेक्शन में भी उस लिंक को पिन कर दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।
टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे बिल्कुल फ्री में, जब हम इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे तब। ठीक है, तो आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।